안녕하세요. 오늘 우리는 16과를 공부하겠습니다. 내일 저녁에 바쁘세요? 내일 tomorrow 저녁 evening 바쁘세요? are you busy? so let's uh, listen to the audio first. 내일 저녁에 바쁘세요? <놀람> 내일 저녁에 바쁘세요? <놀람> 아니요, 바쁘지 않아요. 우리 집에 오셔서 저녁 식사를 함께할까요? 네, 좋습니다. 몇 시에 갈까요? 저녁 일곱 시쯤에 오세요. 그러지요. 고맙습니다. Now let's look at the text. n 일 i l 에바쁘 e 세요. Cholsu is talking with 다 a n a k a थानाखा एक जैपनीज नेम है तो चोल्सो ने पूछा कि आर यू बिजी टू कल आप बिजी हैं क्या कल कल इवनिंग में आप बिजी हैं क्या और थानाखा इेदा फेस हो दा फादा थे दादा इज टू आंसर टू रिप्लाई सो इखे इज लाइक दिस थाना खन इरोखे थे दा फेसो आनियो फाप जी आनायो 바쁘지 않아요 바빠요 바쁘지 않아요 You can guess the difference, right? 철수 다시 말했어요 우리 집에 오셔서 저녁 식사를 함께 할까요? 우리 집에 집 house 오셔서 오다 서오 A little more on i f h e form of 오다 will be 오시다 오셔서 so We can also say 와서 와서 오셔서 저녁 식사. 저녁 식사 뭐예요? 저녁은 뭐예요? evening. right? and 식사가 뭐예요? meal. so evening meal will become dinner, right? so 저녁 식사는 dinner이에요. dinner 함께 할까요? 함께가 뭐예요? together. 그럼 우리 집에 오세요. 와서 저녁 식사 같이 할까요? 같이도 두 개들이죠. 같이도 똑같아요. Same. 같이 데이노 할까요? Like, like, will you come to our house? And we can have a dinner together. 나나카가 그럼 어떻게 대답했어요? 네, 좋습니다. 좋습니다. 좋아요. 오케이. 몇 시에 갈까요? का 시에 갈까요? So here का interesting thing I will tell you. आई विल टेल यू कि कोरिया में हम लोग जैसे बोलते हैं कि अगर ऐसे कोई बुलाए हमें कि आप आइए हमारे यहाँ डिनर के लिए तो हम पूछेंगे कितने बजे आऊँ We will use the word come. When should I come? We will not say when should I go, but कोरिया में वो उसके लिए भी go ही word use करते हैं When should I go? Okay? So 몇 시에 갈까요? At what time I, I, I should come? Uh, and then 철수씨가 이렇게 말했어요. 저녁 7시쯤에 오세요. 일곱 뭐예요? Seven. 그럼 저녁, 이브닝, 일곱 시쯤. 쯤 뭐예요? 쯤 is around, about. 락박. approximately so come around 7 in the evening and then Tanaka said Kurocho Kurocho Kumapshimnida Kumapshimnida thank you and Kurocho is like okay fine so that was all in this chapter and then let's see if we have something nothing in the pronunciation here Papada is to be busy you already know that और सो so इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं फापदा फाप निदा, निप फाप निका फो निका नो नीटू गो थ्रू दैट इज टू बी बैड नाप दप दा, दा, दा उन सबका जो प्रेजेंट बनेगा ना तो सिंपल वो ये जो ए है ये आ में चेंज हो जाएगा फाप आयो फाय आई एम बिजी नाप पायो पास्ट में होगा तो वही का हो जाएगा उसी का ओके देन वी हैव आसो ओसो आसो ओसो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है किसी लेसन में इसका मतलब होता है ये ऑर्डर बतलाता है कि डू आई विल डू दिस एंड देन दिस और आई डिड दिस एंड देन दिस सो इट्स बेसिकली देन और एंड सो इट विल शो अ सीक्वेंस of actions right like for example if you see here the first sentence chol sunun hakyo e k a s w i l s u n u n m a n n a s s m n i d a 그럼 어떻겠어요 먼저 chol sunun hakyo e 갔어요 그렇죠 그리고 그 다음에 두 번째 여기 after n a i that 뭐 했어요 wilson wilsonl m a n n a s s o सो इट विल इट इज शोइंग द सिक्वेंस ऑर्डर कि छोल सो गया स्कूल और जाकर वहाँ मिला तो जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं जाकर मिला उसने स्कूल जाकर ये पढ़ा वहाँ मिलकर खाना खाया उस सेंस में वी विल यूज आसो और ऑसो विद द वर्ब लेट्स सी दू एग्जाम्पल्स योंगीबे वासा योंगोरल खुम हुए हैं योंगू योंगी स्टडीज इंग्लिश आफ्टर कमिंग होम सीजांगे खा साओ उन दोंग्वा रेल सात सेन टू द मार्केट एंड बॉट सम स्निकर्स ओके दीज आर नंबर्स आई हैव ऑलरेडी आई थिंक टॉट यू द नंबर्स बट आप पढ़ सकते हैं इसको कि ये जो है नेटिव कुरियन नंबर्स हैं हान थू से था आप योल योर हान योल थू वन से लेकर ट्वेल्व तक जब हम टाइम बोलते हैं तो घंटा के लिए ये बोलते हैं आवर के लिए हंसी थूशी और मिनट के लिए बुन उसके लिए हम ये नंबर यूज करते हैं साइनो कोरियन ओ इज फाइव शिप इज टेन शिबो इज फिफ्टीन ई शिप इज ट्वेंटी ऐसे करके ओ शिबो फिफ्टी फाइव तक दिया हुआ है तो ऐसे आप टाइम बोलेंगे आपको बोलना हो कि सेवन थर्टी तो कैसे बोलेंगे इलगोपशी शाम शिप पुनिमिदा ठीक है और टाइम पूछते कैसे हैं ऐसे शिगम में और या फिर शिगम शी, ये व, शी ये व, से थ्री इस, इस थर्टी और फान भी बोल देते हैं थ्री थर्टी बोलने की जगह आप अगर बोलते हैं से मतलब तीन शी मतलब आवर फान का मतलब हो गया थ्री थर्टी इस हमारे बोलते हैं हिंदी में साढ़े तीन बज गए साढ़े चार बज गए तो साढ़े इज दिस फान। अब यहाँ पे तो अगर आपको वो टाइम के बारे में बात करनी हो कि लेट्स वी विल मीट हेयर एट दिस टाइम तो कैसे बोलेंगे अच्छी मिलगोपशी सामशी पुणे आई डू दिस आई वेक अप एट आई गेट अप एट सेवन थर्टी इन द मॉर्निंग आई ईट डिनर ये भी मैंने कवर किया डेली रूटीन करके एक मैंने वीडियो डाला था उसको आप देखिए उसमें मैंने कैसे यूज़ करते हैं प्रेजेंटेंस का टाइम के साथ में वो बताया है बाकी इसमें एक्सरसाइजेस हैं हम के मीन्स टुगेदर खाम के खाची एक ही मतलब दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं और फिर है उसके बाद ये जो है कि कई बार आप ध्यान से देखें तो इसमें जैसे हिंदी में भी हम लोग करते हैं कि दो सिर्फ नाउन्स को हम साथ में लिख देते हैं जैसे टुमरो इवनिंग नहील चौनक तो ये टुमारो इवनिंग अपने आप में एक कंबाइंड वर्ड बन गया इसमें बीच में कुछ कनेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है हाक्यो हाक््योशिकंग हाक्यो का मतलब होता है स्कूल और शिकतंग का मतलब होता है रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया तो हाक्यो शिकतंग बोल दिया तो इसका मतलब हो गया कि स्कूल वाला रेस्टोरेंट जो स्टूडेंट दैट इज इन द स्कूल तो ऐसे फंक्शन करता है इसमें बाकी ये वर्ड्स हैं टाइम रिलेटेड अच्छे मीन्स मॉर्निंग अच्छा सॉरी ये त, आ, उसके बारे में बात है मील्स के बारे में अच्छी अच्छी मीन्स मॉर्निंग इट ऑल्सो मीन्स ब्रेकफास्ट छमशिम मीन्स लंच मीन्स इवनिंग एज वेल एज डिनर तो अगर कोई बोल रहा है छौन तो इसका मतलब डिनर भी हो सकता है और इवनिंग भी हो सकता है और उसी तरह अच्छिम का मतलब मॉर्निंग भी हो सकता है ब्रेकफास्ट भी हो सकता है लंच के लिए सिर्फ छमशिम भी होता है इसका मतलब कुछ और नहीं होता तो आपको वो कॉन्टेक्स में देखना होगा किस बारे में बात हो रही है क्या कहा जा रहा है आगे पीछे उसके और चम का मतलब ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली अराउंड तो अगर किसी ने बोला कि योरहान जी चमे चाम मतलब आई स्लीप अराउंड एलेवन एग्जैक्टली एलेवन नहीं अराउंड एलेवन हकसेंगी इलुगुप्शी इलुगुप साराम चम सो स्टूडेंट्स so लगभग कितने स्टूडेंट हैं सेवन अराउंड सेवन अबाउट सेवन स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं सा म्योक्के चम साल का लगभग कितने एप्पल्स खरीद लें हाउ मेनी एप्पल्स शुड वी बाय फिरोचियो का मतलब होता है ठीक है ओके okay. मतलब किसी से आप अग्री हो रहे हैं कि श्योर ओके फाइन आई विल डू दैट तो उस सेंस में यूज़ करते हैं जनरली इसकी जगह ज़्यादा यूज़ करते हैं वर्ड ख्रेयो जो मेरा एक्सपीरियंस अब तक है मैंने देखा है खिरोचियो का यूज़ इतना नहीं देखा मैंने खरेओ ज़्यादा यूज़ करते हैं खरेओ कुछ भी बोला आपने कि यहाँ मिलते हैं या कल ये करते हैं या यहाँ आ जाइएगा तो उसके बाद में ओके करने के लोग यूज़ करते हैं खरेओ खुमाप्ता खुमापसम इस थैंक यू खामसा हम और खुमापसम दोनों ही यूज होते हैं इसके लिए खुमा तो दैट वॉज इट बाकी आप एक्सरसाइज कीजिए इसमें सिंपल उनरन पापदा और नापदा इनका यूज करके बनाना है निक्का नीलमान नफशिदा उनरन पाप निका नील मान नफशिदा आज मैं बिजी हूँ इसलिए कल मिलते हैं निक्का का यूज बिकॉज के लिए करते हैं ना बिकॉज या फिर सो ऊन नालसिगा। आज मौसम खराब है नाप जीमान हक्योए खाया है बट आई हैव टू गो टू स्कूल आया ओया ओयाओ ये पिछले लेसन में आया था आई थिंक हैज़ टू हैव टू के सेंस में कोई काम करना हो आपको कंपल्शन है बाकी यहाँ पर टाइम लिखना है आपको देख के अगर आपको नंबर आते हैं तो पर आराम से लिख सकते हैं इनको ओज मोल हिस्सा शीन एक खासो यहाँ पर कनेक्ट करना है ये काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है इसको आप ज़रूर करके देखिए कि यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में कि कल क्या किया आपने और कल उसने दो काम किए हैं शीने एक खादा मतलब डाउनटाउन में गया सिटी में और छिंगुर माना था और दोस्त से मिला और इन दोनों को कंबाइन करके सेंटेंस बनाना है तो इसमें आसो ओसो का यूज़ करके आप सिक्वेंस दिखा सकते हैं कि आई डू आई डिड दिस एंड देन आई डिड दिस रोमयोगी फूफशिदा 오후 3시쯤에 뭘 했어요? What did you do around 7 uh, in the sorry 3 in the afternoon? 극장에 갔어요. 그리고 영화를 봤어요. 그렇죠? So like if we combine both it will become 극장에 가서 영화를 봤어요. ओके शुभ इट्स इजी सो दैट्स इट इसमें आपको इसमें जो पढ़ा है आपने टेक्स्ट उसके बेस पे आ, सही गलत आपको चुनना है कि वन इज ट्रू एंड वन इज फॉल्स एंड इसमें आपको मैचिंग करनी है ग्रामर के हिसाब से सो दैट्स इट सी यू इन द नेक्स्ट लेसन